जिनका जन्म कर्नाटक के कोकड़ी परिवार में हुआ। बचपन से ही उनको गाने का काफी शौक था। आज वो काफी प्रतिभाशाली गायिका हैं। उनका बॉलीवुड से लेके कन्नड़ फिल्मों तक का ही जगह नाम है। आपको बता दें, हाल ही में अनुराधा जी के बेटे का निधन हो गया, जिसके बाद से अनुराधा जी काफी सदमे में है। साथ ही साथ खबरें तो ये भी आई थी कि अनुराधा जी खुद भी बीमार हो गई हैं। आपको बता दें, अनुराधा जी ने गायिका की प्रेरणा लता मंगेशकर जी से ली। आज हम आपको बताएंगे अनुराधा जी से जुड़ी कुछ खास बातें। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। वेल दोस्तों, आपको बता दें कुछ ऐसी बातें अनुराधा जी से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनको सुनने के बाद आप हैरान तो होंगे ही, साथ ही साथ ये सोचेंगे कि अनुराधा जी कितनी प्रतिभाशाली गायिका है। वहीं बता दें कि अनुराधा जी एक बार बचपन में बीमार हो गई थी। उनको निमोनिया हो गया था, जिसके कारण उनको 40 दिन का रेस्ट करना पड़ा, जिसके बाद वो 40 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही, जिस दौरान उनके चाचा जी ने उनको लता मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग्स दी, जिसको सुनते सुनते वो धीरे धीरे रिकवर हुई। आपको बता दें कि इस दौरान वो लता मंगेशकर जी को अपना गुरु मानने लगी। इसके बाद से ही अनुराधा जी का परिवार लता मंगेशकर जी को अपना भगवान मानता था। वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी प्रेरणा लता मंगेशकर जी हैं। मैं अपनी गायिका का पूरा श्रेय लता मंगेशकर जी को देती हूं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के पद पर ही चलते चलते अनुराधा जी ने अपनी गायिका को सही मुकाम पे पहुंचाया और आज उनका बॉलीवुड से लेकर कन्नड़ फिल्मों तक काफी नाम है। उनकी आवाज काफी सुरीली है। तो आज हम आपको अपनी इसी रिपोर्ट में बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, उनके बचपन से जुड़ी कुछ खास बातें, कैसे उन्हें अपने जीवन की शुरुआत करी और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची। चलिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अनुराधा पोटवाल जी का जन्म कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। हालांकि उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ था। आपको बता दें, एक साक्षात्कार में अनुराधा जी ने खुलासा किया था कि जब मैं पैदा हुई थी तभी से उनकी आवाज काफी सुरीली थी। वहीं बता दें कि बचपन में अनुराधा ने सक्रिय रूप से अपने स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और कई पुरस्कार जीते, जिसके चलते उनका पहला पुरस्कार लता जी के मेरा भजनों में से एक गीत के लिए था। वहीं बता दें, इस तरह एक दिन स्कूल समारोह के दौरान जब अनुराधा ने अपनी भारी आवाज के साथ प्रस्तुति दी, तब समारोह में जजों ने अनुराधा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है और तुम सुरीले संगीत के लिए उपयुक्त नहीं हो और अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं किशोर अवस्था के दौरान वो अरुण के प्यार में पड़ गई। शुरुआत में उनके पिता ने अरुण के फिल्म उद्योग के संबंधों के कारण अनुराधा की शादी को मंजूरी नहीं दी। उसके पिता का मानना था कि वो एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है जो शो बिजनेस या हिस्सा नहीं बन सकती। जब अनुराधा ने अरुण जी से शादी की तो वो 17 वर्ष की थी और अरुण 27 वर्ष के। उनके पिता ने हमेशा उन्हें गायन के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार अरुण ने अनुराधा को लता जी की एक रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए गए, जहां अनुराधा ने लता जी को बड़ी सावधानी से सुना और वहीं एक प्रोग्राम में युवावाणी में एक गीत गाया जो बहुत ही लोकप्रिय मराठी कार्यक्रम से संबंधित था, जिसे बहुत से लोगों द्वारा सुना जा चुका था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हृदयनाथ मंगेशकर इत्यादि कई शीर्ष संगीतकारों ने इस गीत को सुना और ये पता लगाने के लिए रेडियो स्टेशन पर फोन करके पूछा कि गीत कौन गा रहा था। वहीं आपको बता दें कि लेकिन उन्हें ये पता लगाने में समय लगा, ये गीत तो अलका नादगिड़ी गा रही थी। तभी सभी ने अनुराधा पोटवाल को लॉन्च करने की पेशकश की, लेकिन उस समय वो संगीत के क्षेत्र में आने से इच्छुक नहीं थी। वहीं बता दें, महान संगीतकार SD बर्मन ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1973 की हिंदी फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया भादुरू की फिल्म उनमें अनुराधा के गीत वास्तव में एक शिव श्रृंखला को पेश किया था,
जब अभिमान फिल्म को रिलीज किया गया था तब अनुराधा के परिवार के 25 से 30 सदस्य दोस्त और पड़ोसियों ने प्लाजा थिएटर में अनुराधा को सुनने के लिए आए थे। वहीं बता दें अनुराधा पौडवाल का पहला एकल गीत फिल्म आप बीती जो कि शशि कपूर और हेमा मालिनी का था। जब अनुराधा पौडवाल की फिल्म उत्सव के गीत मेरा मन बजे मृदंग के लिए फिल्म पुरस्कार मिला तब उन्हें काफी हैरानी हुई। उस समय वो फिल्म हीरो के गीत तू मेरा जानू है के लिए पुरस्कार की उम्मीद कर रही थी। वहीं बता दें सुभाष गाई की फिल्म उन्होंने तू मेरा जानू गीत गाया जो एक सुपरहिट गीत बना। शुरुआत में ये गीत लता जी ने गाना था, हालांकि कुछ कारणों से उस गीत को अनुराधा जी ने गाया। वहीं बता दें सुभाष घई की अधिकांश फिल्मों में अनुराधा पौडवाल ही गायक थी। उन्होंने गायत्री मंत्र भी गाया है जो आज भी मुक्ता आर्ट का एक प्रतीक है। वहीं पर वर्ष 1980 के दशक के मध्य में अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड किए। बाद में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 3 फिल्में आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क में गीत गाए। वहीं बता दें वर्ष 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म में माधुरी दीक्षित को अपनी आवाज दी जो उस समय सुपरस्टार बनने वाली थी। इसलिए अनुराधा जी ने बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम इस गीत को संगीत चार्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया था। वहीं बता दें फिल्म आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क से वो अपने गायन करियर के शिखर तक पहुंची। हालांकि वर्ष 1983 में वो कुछ समय के लिए व्यक्तिगत रूप से फिल्म जगत से गायब हो गई थी क्योंकि उस समय उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था और उनका पति अरुण बहुत बीमार हो गए थे। वो मानसिक रूप से काफी डिप्रेशन में थी। वर्ष 1990 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म उद्योग से पीछे हटना शुरू कर दिया और केवल टी सीरीज के लिए गायन करने की घोषणा की जिसके चलते उन्होंने भक्ति गायन किया। फिल्म जगत से निकलते ही अलका याग्निक को काफी लाभ हुआ जो बाद में काफी लोकप्रिय हुई। वहीं बता दें उन्होंने टी सीरीज के मोगुल गुलशन कुमार के साथ मित्रता की। हालांकि जब अगस्त 1997 में उन्होंने गोली मार दी गई तो अनुराधा का सफल बनने का दृष्टिकोण बदल गया। वो कहती हैं कि टुडे व्हेन आई हैव अ हिट इट फील नाइस बट दैट्स इट। आपको बता दें अपने पति की मृत्यु के बाद उनके बेटे आदित्य ने फिल्मी जगत पर कदम रखा और वो काफी कम उम्र में ही गायक बन गए। वहीं पर उनकी बेटी कविता पौडवाल भी एक गायिका बन गई। वहीं आपको बता दें कि अपने पति की याद में अनुराधा जी ने सूर्योदय नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की। वहीं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि उन्होंने जितनी भी गायिका सीखी है वो सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी की आवाज से ही सीखी है। वो आज जिस मुकाम में पहुंची है उसका आधे से ज्यादा श्रेय वो लता मंगेशकर जी को देती है। आपको बता दें कि अनुराधा जी अभी काफी दुखद है, उनकी स्थिति अभी काफी दुखी है। उनके बेटे का निधन हो चुका है जिससे वो काफी परेशान है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ।